जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आपके पूछे गए प्रश्न के ऊपर आज का जो विषय है हनुमान जी के भोग के बारे में है, चर्चा करते हैं। हनुमान जी के भोग के बारे में कल मंगलवार है, सावन का शुक्ल पक्ष का। आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, क्या भोग लगाते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। गुड़ चने का भोग भी आप लगा सकते हैं, शक्कर है शक्कर के दो दाने के भोग लगा दीजिए। भगवान सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के भूखे होते हैं, उनको उसी चीज़ से प्रसन्नता हो जाती है जब आप उनके अंदर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। बाकी भगवान किसी के शक्कर के दाने के भूखे नहीं है, क्योंकि जो देने वाला होता है वो किसी चीज़ का भूखा होता नहीं है। और सामर्थ्य है तो गुलाब जामुन का भोग लगा सकते हैं, कोई ना कोई मीठा पदार्थ अवश्य होना चाहिए। किसी भी देवी देवताओं का भोग लगाइए, मीठा पदार्थ होना जरूरी है। भोग का मतलब पहले समझिए, भोग और प्रसाद। भगवान को भोग इसलिए लगाया जाता है ताकि उनको जब हम भोग लगा देते हैं तो वो एक अलौकिक शक्ति है। परमपिता परमेश्वर उनको माना गया है एक दिव्य, बहुत ही शुद्ध रूप प्रकृति का। तो हम उनको भोग लगाते हैं तो उनके भोग लगाने के बाद में वो चीज प्रसाद बन जाती है। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद प्रभु के साक्षात दर्शन। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, भगवान के चढ़े हुए भोग को यदि ग्रहण कर लिया जाए तो वह भगवत स्वरूप हो जाता है। उसके अंदर जैसा भगवान के अंदर बल होता है ऐसा बल उसके अंदर आ जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए प्रसाद का अनादर ना करके प्रसाद ग्रहण अवश्य करना चाहिए। तो आप भोग लगाइए, भोग आप लगाए सूर्यास्त से पहले पहले, भगवान श्री राम को भोग लगाने के पश्चात हनुमान जी को भोग लगाएं। देसी रोट, गाय का देसी घी और गुड़, इसका आप भोग लगाएं। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो घी है वो शुद्ध होना चाहिए, नमक रहित होना चाहिए अगर आप भोग लगाते हैं। मंगलवार है, नेगेटिव प्लानिट होता है मंगल ग्रह, सबसे ज्यादा नेगेटिव प्लानिट, क्रोधी स्वभाव वाला, उग्र स्वभाव वाला होता है, क्रूर ग्रह, इसकी संज्ञा दी गई है। तो सुबह पहले यदि सूर्यास्त, जैसे ही सूर्योदय होता है उसके कुछ समय बाद पूजा पाठ करके फिर आप भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में आरती कीजिए, दो बार या पांच बार आप आचमन कराइए जल से। अब देखिए, आप श्रद्धा स्वरूप भोग को मानसिक रूप से भी, अर्थात आंखें बंद करके ये सोचिए कि हनुमान जी के मुख में आप भोग लगा रहे हैं, उनको दे रहे हैं। इस तरीके से लगा सकते हैं, उसको साइड में रख दीजिए और गाय को वो खिला दीजिए। एक तो ये होता ही है, दूसरा होता है अग्नि में आप लगा सकते हैं। कंडे ले लीजिए जिसको उपले बोलते हैं, गाय का कंडा होना चाहिए, उसको आप अग्नि पर जला लीजिए। जब वो जल जाए, लाल लाल हो जाए, तब उस पर आप घी से दीपक जलाकर सामने और घी के छींटे मारकर प्रभु को स्मरण करते हुए उनका आह्वान कीजिए, श्रद्धा भाव से उनको बुलाइए और फिर उनको भोग के लिए आमंत्रित कीजिए। जैसे ही कंडे पर अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो प्रणाम कर उनको पहले घी का भोग लगा दीजिएगा, फिर जो भी आपके पास में सामग्री है उसका भोग लगाएं। समय है, सामर्थ्य है, पान, लौंग, सुपारी, इलायची, कपूर आदि का भी भोग सभी देवी देवताओं को चढ़ता है, हनुमान जी के भी आप लगा सकते हैं। आचमन जरूर करिएगा जल से। तो इस तरीके से करना है, सुबह करेंगे तो जो नेगेटिव एनर्जी है मंगल ग्रह की
यदि मंगल आपके लिए शुभ नहीं है तो सुबह पहले ही आप इस चीज़ को कर लीजिए, पूरे दिन पॉजिटिविटी बनी रहेगी। भोग लगाने के बाद आप जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो मंत्र जाप की बजाय ध्यान कीजिएगा, नाम स्मरण कीजिएगा, अद्भुत फायदा आपको मिलेगा। भोग लगाने के बाद में तुलसी पत्र जरूर अर्पित कीजिएगा जिससे उनको तृप्ति हो जाए। तुलसी पत्र अर्पित नहीं करेंगे तो वो अतृप्त ही रहेंगे। पहले राम भगवान को, फिर हनुमान जी को तुलसी पत्र आपको अर्पित करना है और उस तुलसी को अपने पीने के जल में डाल दीजिए, अद्भुत फायदा मिलेगा। जिसकी भी नेगेटिव थिंक हो गई थी, परिवार से हटके चल रहा था, उसकी सोच बदल जाएगी, इतना कीजिएगा। तुलसी जी को दांतों से चबाया नहीं जाता, निगला जाता है, इतना कीजिएगा। दोस्तों, अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आप और भी जो भी आपके सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं, जो अध्ययन किया है शास्त्रों का उससे, जो मेरे अग्रज हैं, ज्ञानी हैं, जिन्होंने ज्ञान अर्जन किया है, चाहे भक्ति से किया हो, चाहे पैदल चल चल कर तीर्थ स्थानों से लिया हो, तो उनसे मैंने थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण किया है तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बस आप लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।